जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन के समय उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक सेवा सप्ताह मना रही है, और उस सेवा सप्ताह के अंतर्गत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कैंप लगा रहे हैं समाज की सेवा के लिए, और समाज की सेवा के लिए कैंप लगा रहे हैं, और यहाँ भी एक कैंप लगा हुआ आँखों का। तो देखते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएँ और क्या क्या सेवाएँ मिल रही हैं, उसी संदर्भ में हम आए हैं। कैंप के बारे में बहुत अच्छा चल रहा है जी। मैं अभी आया हूँ, पर्चियाँ खत्म हो गई। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर सारी का डॉक्टर तो सार का श्रीवास्तव है। और कोई भी डॉक्टर है यहाँ पे? और भी है कोई डॉक्टर? और तो मेरे ख्याल से नहीं है, शायद एक डॉक्टर है तो सही, नाम पता नहीं मेरा। कौन डॉक्टर है यहाँ पे? पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। तो आप जानते हैं इनको? ये तो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जिले की। डॉक्टर सार का श्रीवास्तव, ये डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं ये? अगली लिखा तो हो गई डॉक्टर। हाँ जी, सारिका चैरिटेबल है। आइए आइए, देखते हैं देखते हैं। ये कैंप आप लगा रहे हैं? कौन है आयोजक यहाँ पे? ये देखिए कैंप लगा हुआ है यहाँ पे आँखों का, आँखों से संबंधित, और ये मोदी जी के जन्मदिन देख रहे हैं। मोदी जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई डॉक्टर भी होंगे, उन डॉक्टर से मिलना चाहेंगे। आइए जी, डॉक्टर कौन है यहाँ पे? आप डॉक्टर हैं? हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। डॉक्टर हैं? हाँ जी हाँ जी। कार्ड होगा आपका? हाँ, कार्ड घर पर है। पर आपको अभी यहाँ पे एंट्री किसने दी है? मीडिया से है? नहीं, मीडिया से जब तक हम एंट्री नहीं देंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। आप कहाँ से डॉक्टर? आप मैं डॉक्टर कहाँ से हैं? आप पूछने वाले कौन है? मैं दूसरी चीज नहीं, डॉक्टर कौन है? हाँ, डॉक्टर मैं हूँ। आप प्लीज आप बाहर बैठ जाओ। नहीं, एक मिनट बुलाना, उसको बुलाना। नो, एक मिनट भैया, इधर आने को बाहर करना। हाँ जी, कार्ड आपका, मीडिया को आप, हाँ कार्ड, एक सेकेंड, आप डॉक्टर हैं? देखिए जी, हमारा जो प्रोफेशन है ना, आप चेकअप करते हैं। हाँ बिल्कुल, कार्ड आप, मीडिया को बंद करा सकते हैं आप बाहर जाइए। आपका कार्ड, आप आए क्या? आप यहाँ पर तो नहीं, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए ना। आपका कार्ड, कार्ड नहीं, आप बाहर आइए। आपका डॉक्टर है कार्ड आपका? एक सेकेंड, आप देखने वाले डॉक्टर के पास? आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? ऑप्टोम, जोर से बोलिए, ऑप्टोम है, ऑप्टोम। नहीं, आप एक सेकंड, आप एक सेकंड, मैम आप कैमरा बंद करिए। क्या फ्रॉड हो रहा है? आप डॉक्टर हैं जी? दिखाइए, ऑप्टोमेटिस्ट नॉट डॉक्टर। एक सेकंड, ऑप्टोमेटिस्ट नॉट डॉक्टर। नो, आप देख रहे हैं, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट चेक द पेशेंट। आप आराम से बात करिए। यस आई हैव, कार्ड दिखाइए आप अपना। आई हैव टू शो योर कार्ड। आप कार्ड दिखाइए ना सर। आप सर इतना सुबह से चल रहा है, आपने यहाँ पर दिखाइए, आप कार्ड दिखाइए, आप कार्ड दिखाइए, आप कार्ड दिखाइए। एक सेकंड, आप ये यहाँ पर क्या ये काम कर रहे हैं? प्रेस से हूँ। हाँ जी, प्रेस कहीं भी जा सकती है। नहीं तो प्रेस ऐसे नहीं ना, आप पब्लिक यहाँ पर आकर, यहाँ पर अगर अगर पेशेंट के साथ कोई भी, अगर लोगों के साथ कोई भी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कार्ड दिखाइए, आईडी दिखाइए, आप मीडिया का कार्ड, और आप मेरे के मुंह, आप प्रेमिसेस में, हाँ जनता की सेवा के लिए लगाया गया हूँ। आप बाहर आइए, आप पहले बाहर आइए, आप पहले बाहर आइए, आप पहले बाहर आइए, आप पहले बाहर आइए, आप जैसे अब मैं आपको नहीं लगा सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख, मेरे को आज नहीं लगा सकते हैं। आप
यहाँ पर हमारा धक्का मुक्की कारण कनेक्शन कैमरे के साथ टूट गया था, जिस कारण से यहाँ पर जो वहाँ की अंदर की आवाज़ें थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अभी तक की बातों से आप सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे सुनने के बाद कि अंदर क्या चल रहा था। हम सारिका श्रीवास्तव जी से उनका डॉक्टर होने का कोई भी एक प्रमाण मांग रहे थे, उनका विजिटिंग कार्ड मांग रहे थे, लेकिन वो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दे रही थी और ना ही वो ये सिद्ध कर पा रही थी कि वो एक डॉक्टर हैं, वो सिर्फ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन है। हम ये कह रहे थे वो डॉक्टर नहीं लिख सकती हैं, लेकिन वहाँ उपस्थित पब्लिक के सामने जब वो अपने को सही सिद्ध नहीं कर पा रही थी तो वो बौखलाई हुई थी और इस कारण वो उनके सहयोगी और वो मिलकर हमें बाहर निकालने की, हमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार वो हमें बाहर निकाल दें, लेकिन वो ऐसा हमारे को साथ जबरदस्ती कर रही थी और हमारा माइक कई बार छीनने की उनके सहयोगियों ने कोशिश की, कैमरा बंद कराने की कोशिश की, यहाँ तक कि सारिका श्रीवास्तव ने भी कई बार हमारा माइक छीनने की कोशिश की और उनके जो सहयोगी थे, एक सहयोगी ने मेरी कमर में हाथ डाल के कंधे पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की और एक ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त उनके साथ एक अन्य जो लेडी थी उन्होंने भी जो है हमारे साथ बहुत धक्का मुक्की की और वो बाहर निकालने की कोशिश की। इस कारण से लगभग 5 मिनट से लेकर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के दृश्य में 5 मिनट से लेकर जो मंदिर परिसर के अंदर का वीडियो है इसमें 5 मिनट से लेकर 8.5 मिनट तक कोई भी वहां की साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि हमें नहीं ज्ञात हो पाया था कि हमारा माइक के साथ कनेक्शन टूट चुका है। तो रिकॉर्डिंग चलती रही, कैमरे की दृश्य रिकॉर्ड होते रहे, लेकिन माइक से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो 8.5 मिनट तक इसमें साउंड नहीं है, लेकिन दृश्य देख करके आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार से हमारे साथ बदतमीजी और जो है धक्का मुक्की की जा रही थी, जबकि उनको चाहिए ये था कि अगर वो एक डॉक्टर हैं तो वो अपना कोई भी एक विजिटिंग कार्ड, जबकि उनका घर वहाँ से मात्र 200 मीटर दूर है, उस गली से अगली गली में ही उनका घर है, वो चाहती तो जैसे उन्होंने कहा था कि घर पर कार्ड है तो घर से अपने कार्ड मंगा करके और पब्लिक के सामने स्वयं को सही सिद्ध कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं था, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो ये सिद्ध कर सके कि वो एक टेक्नीशियन नहीं है, वो एक डॉक्टर हैं, और इस कारण से ही ये सारा जो वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही थी। हम पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आँखों का नाजुक मामला है और आँखों के मामले में वो एक सही निर्णय लें और किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई गलत ना हो जाए, हमारा सिर्फ इतना मकसद था, क्योंकि आप जानते हैं कि आँखों के मामले में कई बार कई केस हो चुके हैं जहाँ पे झोला छाप टाइप के डॉक्टर लोगों की आँखों के साथ जो है खिलवाड़ कर देते हैं और बाद में परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। इन डॉक्टरों का कुछ नहीं बिगड़ता है, जो कथित डॉक्टर हैं झोला छाप डॉक्टर, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यहाँ 3.5 मिनट बाद 8 मिनट से आप लगातार बाहर की सारी बातें सुन सकते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर के मायने जानते हैं जी, डॉक्टर कौन होता है? नहीं देखिए ये सिंपल सवाल है, आप मुझे बोलें जी, दो मैटर हैं जी। एक तो मेरे हिसाब से अच्छा कॉज हो रहा है, सोशल कॉज हो रहा है। एक मिनट रुको आप, अब डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। हाँ, वही किया मैंने तो अभी ये हंगामा करने का फायदा है। हंगामा बोलो, आप सिंपल से क्या करो, अगर उनके पास सबूत नहीं है, हमने सिर्फ कार्ड मांगा कि आप अपने आप मेरे से क्या कहेंगे, पैसा अपना कार्ड दिखाइए, आप मेरी ऑथेंटिसिटी जांचने के लिए क्या कहेंगे, कार्ड दिखाइए, मैं फौरन जेब से निकाल के आपको अपना कार्ड दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? पता क्या है, एक सोशल नहीं, मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? अगर मैं फेक होऊंगा तो क्या करूंगा? कंप्लेंट जो हम तो मीडिया से, हम तो जनता को, तो यहाँ पे हंगामा जनता को दिखा रहे हैं, हंगामा नहीं कर रहे, यहाँ पे हंगामा करना हमारा काम नहीं है, जागरूक करना जनता को जागरूक करना हमारा काम है, और जनता को जागरूक करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। बहन जी जानती है अच्छे तरीके से, मैं मंडल का प्रभारी हूँ जी, तो मैं उससे तो मैंने मंडल पे बीजेपी वगैरह वाली बात की, यहाँ पार्टी वाली पार्टी वाला नहीं, कोई पार्टी का काम नहीं है। एक मिनट सर आप आए हैं? नहीं नहीं कोई नहीं आ रहे, बोलने भी नहीं दे रहे उनको, बोल इनको बोलने भी नहीं दे, ये किसी मरीज इन्होंने मंदिर को
बंद कर दिया है। एक मिनट दिखाइए कितने लोग अंदर हैं, अंधेरा हो रहा है, लाइट गई हुई है और अंदर पंखा नहीं चल रहा और अंदर इन्होंने बंद कर लिया है सब, सबको बंद कर लिया है इन्होंने, इन्होंने सबको बंद कर लिया है और ये किसी को बाहर भी नहीं आने दे रहे, किसी से सवाल भी नहीं पूछने दे रहे और उल्टा मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। पेशेंट से तो पूछोगे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं है, मैंने आपसे कुछ पूछा है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में कैसे डॉक्टर चेक कर सकता है, अंधेरे में डॉक्टर कैसे चेक कर सकता है? लाइट अभी गई है, आधा घंटा हो गया, तो आप आए हो आपके साथ, आधा घंटा हो गया लाइट, आधा घंटा हो गया लाइट गई है, आधे घंटे से सब अंदर हैं। आप कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, करिए, बहुत छोटी सी बात है, बोलिए, अब इसको वाइंड अप, ये चैलेंज, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, चैलेंज करिए आप मुझे, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, करिए, कर दिया ना चैलेंज, करिए, आप प्रूव करोगे लोगों को प्रॉब्लम है, प्रूव करो। मैं आपसे एक सवाल पूछा है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, डॉक्टर वो इस डॉक्टर अब जाओ आप, मैंने इससे पहले पब्लिक आपको ये कह रहे हैं, कुछ और का मतलब क्या होता है, पब्लिक क्या करेगी मुझे, ये कह रहे हैं पब्लिक मुझे कुछ करे, क्या करेगी पब्लिक? आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल दोगे? नहीं मैंने डाला, आपने इतना कहा पब्लिक कुछ करे, मैं कह रहा हूँ पब्लिक, भाई पब्लिक कौन सी है जो मेरे खिलाफ कुछ करना चाहती है, ये दिखाइए दिखाइए, उन्होंने बैनर फाड़ा, दिखाइए बैनर, पब्लिक भाई साहब ने कहा, इधर दिखाइए, हाँ मैंने कहा, मैं पब्लिक को जगाने आया हूँ और पब्लिक को जगा रहा हूँ और ये कह रहे हैं सुनोगे थोड़ा सा, पब्लिक मेरे खिलाफ, कौन सी पब्लिक है जो मेरे खिलाफ कुछ करना चाहती है, समझदार है, सब जानते हैं, अगर बोल चुके तो सुनोगे थोड़ा सा, मैं तो आया हूँ, यू आर नॉट डॉक्टर, आप अगर आपने डॉक्टर सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर लिखिए, लिख देंगे, लिखिए सोशल वर्कर, नहीं लिखा हुआ, डॉक्टर लिखा हुआ है, तो डॉक्टर है ना, नहीं है डॉक्टर, डिग्री लेके घूमे, मैं बताऊँ क्या है, एम डी, एक सेकेंड, हु आर यू, मीडिया, मीडिया पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से परमिशन दी, ये मंदिर के प्रशासन को मालूम होगा और ये मंदिर के लोगों को मालूम होगा, उन्होंने बिना डॉक्टर की डिग्री के किसी को परमिशन कैसे दी बिना पेपर देखे हुए कैंप लगाने की, आंखों का मामला है और आंखों के मामले में अगर किसी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या उसके लिए मंदिर प्रशासन जिम्मेदार होगा? इस सवाल का जवाब किसी से नहीं, अपने को डॉक्टर कह रही थी, वो अपने पेपर नहीं दिखा पाई और वो मंदिर बंद करके भाग गई, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो एक जाली डॉक्टर है, डुप्लीकेट डॉक्टर है, अगर मेरी बात गलत है तो उसने अपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाए?